नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव, SG डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे देश के समस्त युवा साथी, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का फेज़ 1 क्लियर करने के बाद फेज़ 2 की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की है, आइए बातें करते हैं अपने एयरफोर्स के एस्पिरेंट से, जिसने कि एयरफोर्स के फेज़ 1 को क्लियर करने के बाद एयरफोर्स के फेज़ 2 के लिए अब इस समय बिल्कुल तैयार है। और मेरे प्यारे देश के समस्त युवा साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे प्यारे समस्त देश के युवा साथियों, ये है अपने पास में दिवाकर, जो कि बिहार से हैं, जमुई से। बेटा बिहार जमुई से? यस सर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? वही जमुई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट ही है? यस सर, जमुई डिस्ट्रिक्ट है। बेटा मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, ऑल ओवर इंडिया में आपके बिहार में बहुत सारी अकेडमी हैं। यस सर। आपने उत्तर प्रदेश में SG डिफेंस अकेडमी आने का ही क्यों सोचा? यस सर, ये हमने तो बहुत पहले से ये फॉलो कर रखा था जी। मैंने 2022 में 12th किया, उसके बाद से मेरे को पहले से डिसाइड किया था कि एयरफोर्स में जाना है जी। तो उस टाइम पे मैंने आपका चैनल वगैरह सब सब्सक्राइब कर रखा था सर जी। जी। और जैसे मैंने फर्स्ट इंटेक दिया तो उसमें मैं 4 नंबर से रख गया। अच्छा। तो उसी टाइम मेरा प्लान था पहले कि पहले ही आ जाना यहाँ, लेकिन उस टाइम तो एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ। फिर नेक्स्ट जैसे 2-3 महीना के बाद एग्ज़ाम हो गया। हाँ। जैसे एग्ज़ाम हुई, मेरा रिजल्ट हुआ, एक्स ग्रुप में अच्छे स्कोर किए, तो जस्ट उसके बाद मैंने आ गया। इसके आने के पीछे कारण है, मेरे को एक लड़का बताया था दोस्त, वो राजस्थान का है, पर अच्छा, उससे मेरी कॉन्टैक्ट थी, उन्होंने बताया। हाँ। और मैंने यूट्यूब पर सिलेक्शन रेशियो देखा, खाना पीना देखा, फिजिकल ग्राउंड देखा, और मेरे को लगा कि सारा चीज़ एक ही कैंपस के अंदर है तो मेरे लिए अच्छा है। मेरे पेरेंट्स भी बोले कि हाँ ठीक है, अच्छी है। हाँ। इसलिए हम आ गए, और जैसे आए वैसे बिल्कुल सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छी थी। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, जैसे शुरुआत में तो गर्मी थी जिस समय पे आप लोग आए थे, क्योंकि हमें इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी बच्चों से कि इतनी ज़्यादा बच्चे इतनी तादाद में आ जाएंगे। यस सर। तो थोड़ा सा बच्चे से ज़्यादा आए, तो शुरुआत में हालांकि गर्मी ज़्यादा थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हुआ था। यस सर। लेकिन ग्रुप डिस्कशन जैसे अब आपने किया है फेज 1 के बाद में, और आपने देखा कि भाई पूरा ग्राउंड जो है अपने कैंपस में ही है, हॉस्टल क्लास वगैरह सब कुछ एक ही कैंपस में है। सर। यस सर, यही चीज़ें तो हमें यहाँ पर अभी तक भी रखी है। और पहले बिल्कुल जब बिजली जाती थी तो थोड़ी बहुत मच्छर का प्रॉब्लम हुआ था, बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हुआ ना। पर हमारा मकसद यही था कि हमारा फिजिकल और ग्रुप डिस्कशन हो जाए, बाकी कुछ ना है, 1 महीना किसी भी ढंग से रह लेंगे। बिल्कुल। खाना पीना अच्छा था, फिजिकल हमारी अच्छी हो रही थी, और हमारा ग्रुप डिस्कशन अच्छा हो रहा था, और अभी तो कम्प्लीट हो गया है, बिल्कुल रिवाइज वाइज। बिल्कुल भाई, आज जो है आपकी 26 तारीख है आज। यस सर, 26 जुलाई है आज। अभी भी आप लास्ट समय तक, आप सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं लास्ट समय तक रुके हुए हैं। यस सर। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या खास बात अच्छी लगी यहाँ पे आने के बाद? ग्रुप डिस्कशन में हमें ये लगी सर जी, हम यही चाह रहे थे पहले से भी कि हमें कोई चीज़ें वैसे जो नोट्स वगैरह दे देते हैं कि रटे तो वो तो रटे, रटाए चीज़ हमें किताबों में भी मिल जाएगी। तो इसलिए हम आए कि सर जी अच्छे से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करके हमें समझा दे, ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। जैसे हमें अगर एजुकेशन के बारे में कोई टॉपिक है, तो एजुकेशन की जितनी टॉपिक्स है वो एक सिनेरियो में करा दिया गया, जिससे कि हमारे दिमाग में ऑलवेज सेटिंग रहता है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें मेरे को अच्छी, जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ। तो लैंग्वेज लगभग सेम रहती है। और जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल फ़ोन है, मतलब आपको अलग अलग तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जैसे डिजिटल का कोई चीज़ है तो वो डिजिटल वाले जैसे 10-12 टॉपिक्स हैं तो वो एक सिनेरियो में मेरे को कराया गया है। हाँ जी। जिससे कि हमें इससे जो है डाइवर्ट्स नहीं होते हैं, टॉपिक्स बिल्कुल दिमाग में आता है। अच्छा, तो अच्छी से। तो जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से ऐसे बोलता था यूट्यूब पे कि भाई एक्सपीरियंस टीचर के साथ में ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करें, तो आपको यहाँ आकर के वास्तव में लगा एक्सपीरियंस वाकई में कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? यस सर, एक्सपीरियंस ही सब कुछ होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये अपने पास में अभी भी साथ में जमे हुए हैं लगातार 26 जुलाई तक, बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो एकेडमी में इस समय रह रहे हैं, लेकिन ये बहुत दूर से आए बिहार से, और हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप विश्वास करके हमारे पास तक आते हैं, और हम इसी उम्मीद पे काम करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। और जहाँ तक रही थोड़ी बहुत समस्याओं की, देखिए आप सभी एक चीज़ समझिएगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस मौसम में फिर आपको गर्मी सर्दी तो सहनी पड़ती हैं, हालांकि गर्मी में थोड़ी सी परेशानी रहती ही है, हर जगह रहती है। एयर कंडीशनर अगर आपको कोई रूम अवेलेबल करा रहा है तो फिर आप एक चीज़ समझिए, फिर आप इंडियन डिफेंस सर्विस में जॉब करने की तमन्ना ही मत रखिए अगर आपको सर AC में रहने की आदत है तो। सर, यस सर, क्योंकि AC का तो रोल ही नहीं है इंडियन डिफेंस सर्विसेज में।
है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अपने पास में बिहार से है और बहुत अच्छा सफ़र रहा इनका, और वाकई में बहुत ही मतलब ओविडेंट और रेगुलरिटी डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा सब कुछ दिवाकर कर रहा। और भी सभी विद्यार्थी जो यहाँ हैं सभी बहुत अच्छे से रहे, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।